हेलो एंड वेलकम गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऑटोमेटिक वीदर स्केलेटन फार्म कैसे बना सकते हो, जिससे आपको वीदर स्केलेटन के हेड, ब्लेज रोड, कोल, बोन वगैरह मिलेगी। तो गाइज अपना ये वीदर स्केलेटन का फार्म नेदर फोर्ट्रेस के ऊपर बनता है, तो इसके लिए हमको नेदर के अंदर जाना पड़ेगा। तो गाइज आपके वर्ल्ड में जिधर भी नेदर फोर्ट्रेस है आपको उधर चले जाना है। बाकी गाइज फार्म बनाने के लिए आपको जिन जिन आइटम की जरूरत पड़ेगी आप सल्कर के अंदर देख सकते हो। मैं गाइज आपको डेफिनेटली नहीं बता सकता कि आपको कौन सा आइटम कितना कितना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके नेदर फोर्ट्रेस पर। अभी गाइज मैंने अपने साथ फायर रेस्टिटेंस के पोशन भी ले लिए हैं, क्योंकि गाइज इधर विलेज हम पर रेगुलर अटैक करेंगी और फोर्ट्रेस के नीचे काफी लावा होता है, इसलिए सेफ्टी के लिए आप भी फायर रेस्टिटेंस के पोशन ले सकते हो। तो गाइज फोर्ट्रेस पर आते ही हमको अपना फार्म बनाना स्टार्ट कर देना है, और गाइज इस पर हम अपना फार्म नहीं बना सकते तो हमको इसको कंप्लीट स्लैब से कवर कर देना है, क्योंकि गाइज अगर हम इसके ऊपर स्लैब नहीं लगाएंगे तो अपने फार्म के अंदर वीदर स्केलेटन स्पॉन होने की वजह इधर उधर स्पॉन होते रहेंगे। तो गाइज ऐसी चीज जिन पर हम मतलब फोर्ट्रेस के ऊपर ऐसी चीज जिन पर हम फार्म नहीं बना सकते तो गाइज उनको हमको स्लैब से कवर कर देना है, क्योंकि गाइज नेदर वर्ल्ड के अंदर हम सिर्फ स्लैब से लगाकर मॉब स्पॉन होने से रोक सकते हैं। अगर ओवर वर्ल्ड होता तो हम टॉर्च लगाकर भी मॉब्स स्पॉन होने से रोक सकते थे, लेकिन गाइज ये नेदर वर्ल्ड है तो इधर हमको स्लैब्स ही लगानी पड़ेंगी, इसलिए गाइज आपको ढेर सारी स्लैब्स लानी है। तो गाइज अभी ऊपर तो कंप्लीट में स्लैब्स लग चुकी है, अभी मैं सीढ़ी ऊपर भी स्लैब्स लगा देता हूँ, क्योंकि इधर भी मॉब्स स्पॉन हो सकते हैं। और गाइज नीचे भी मैं इधर फार्म नहीं बनाने वाला तो इधर भी मैं स्लैब्स लगा देता हूँ। और गाइज इस फार्म को बनाना आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि इधर फार्म बनाते टाइम रेगुलर मॉब्स स्पॉन होंगे, विलेज रॉड, वीदर स्केलेटन और पिगलिन वगैरह, जो आपको फार्म बनाते टाइम परेशान करेंगे। इसलिए गाइज आप अच्छे खासे आर्मर टूल के साथ आना, वरना इधर आप विलेज रॉड से जलकर या वीदर स्केलेटन के इफेक्ट से भी मर सकते हो। तो गाइज जिधर तक मैंने स्लैब्स लगाई है उधर तो मैं अपना वीदर स्केलेटन फार्म नहीं बनाने वाला, बाकी ये जो फोर्ट्रेस के ब्रिज टाइप है इनके ऊपर मैं अपना वीदर स्केलेटन फार्म बनाऊंगा। तो गाइज ये जो फोर्ट्रेस के ब्रिज हैं इनके ऊपर ही मैं अपना फार्म बनाने वाला हूं। तो गाइज इन ब्रिज के दोनों साइड की जो लेयर है इनके ऊपर हमको स्लैब लगा देनी है, और बीच और इस ब्रिज टाइप के बीच वाले एरिए को रहने देना है। वैसे गाइज नेदर फोर्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन हमको कंप्लीट नेदर फोर्ट्रेस पर स्लैब नहीं लगानी, बस हमको नेदर फोर्ट्रेस का कोई भी एक साइड मतलब कोई भी एक हिस्सा ले लेना है जिधर हमको अपना फार्म बनाना है, और उधर ही हमको स्लैब्स लगानी है। तो आप नेदर फोर्ट्रेस का तकरीबन 100 से 150 ब्लॉक दूरी का हिस्सा पकड़ लेना और उधर अपना फार्म बनाना स्टार्ट करना। और गाइज मैं इस ट्यूटोरियल को आपको क्रिएटिव में भी दे सकता था, जिससे ट्यूटोरियल मतलब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी और आसान पड़ जाती, लेकिन गाइज इस फार्म को बनाते टाइम आपको क्या क्या परेशानी आने वाली है ये सब दिखाने के लिए मैं इस ट्यूटोरियल को आपको सर्वाइवल में ही दे रहा हूँ। और गाइज आपको एक और बात बतानी थी कि मैंने अभी 14-15 दिन तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मेरे चैनल पर दूसरी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी थी, जिससे मैं 14 दिन तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था। अभी गाइज मेरे चैनल पर 2 गाइडलाइन स्ट्राइक एक्टिवेट हैं, अगर ऐसे में कोई तीसरी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है तो मेरा ये चैनल परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसलिए गाइज मैं अभी लिंक वगैरह की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कम बनाऊंगा, क्योंकि जब तक ये स्ट्राइक एंड नहीं हो जाती, ये स्ट्राइक 3 महीने में एंड हो जाएंगी, उसके बाद मैं लिंक वगैरह की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि गाइज 90% वीडियोस पर स्ट्राइक तभी आती है जब हम अपनी वीडियो में कोई लिंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इसलिए गाइज मैं लिंक की वीडियो अभी बनाना काफ़ी ज़्यादा कम करूंगा, क्योंकि अभी गलती से भी तीसरी स्ट्राइक पड़ गई तो अपना चैनल डिलीट हो जाएगा, इसलिए गाइज 3 महीने तक हमको वेट करना होगा। वैसे गाइज चैनल पर 2 स्ट्राइक आने से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, मैंने चैनल के लिए जो टारगेट सेट किए थे वो कम्प्लीट नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी स्ट्राइक आने की वजह से मतलब मैंने जब वीडियो अपलोड नहीं की थी तब भी धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, इस चीज़ की खुशी है। वैसे गाइज आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब चैनल पर कितने सब्सक्राइबर है ये कमेंट कर जरूर बताना। तो गाइज अभी मैंने फोर्ट्रेस के 2 तरफ के ब्रिज पर स्लैब्स लगा दिए, अभी मैं 2 तरफ के ब्रिज पर स्लैब्स और लगाने वाला हूँ, और इतने एरिया में ही अपने फार्म को बनाऊंगा, क्योंकि गाइज फार्म बनाने के लिए इतना एरिया काफी है, और इतने एरिया में हम वीदर स्केलेटन के कम 4-5 फार्म बना सकते हैं, क्योंकि गाइज इतने एरिया में हमको वीदर स्केलेटन के कम 4-5 स्पॉन पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। और गाइज इस ब्रिज के आगे की तरफ मुझको फार्म नहीं बनाना था, इसलिए मैंने उधर थोड़ी बहुत स्लैब लगा दी, और इस ब्रिज के दोनों साइड अभी मैं स्लैब लगा देता हूँ, क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर भी हमको 1-2 स्पॉन पॉइंट मिल जाएंगे, तो इस ब्रिज के दोनों साइड हमको स्लैब लगा देनी है।
गाइज आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ स्लैब लगानी है, स्लैब्स का कंप्लीट ब्लॉक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गाइज कंप्लीट ब्लॉक के ऊपर मॉब्स स्पॉन हो जाते हैं। स्लैब्स की हाइट आधी होती है, इसलिए स्लैब के ऊपर कोई मॉब स्पॉन नहीं हो पाता। और गाइज आप देख भी सकते हो, इधर रेगुलर विलेज वगैरह अटैक कर रहे हैं। अगर मेरे पास अच्छे आर्मर टूल नहीं होते और मेरे पास फायर रेजिस्टेंस के पोशन नहीं होते तो ये मुझको कब का मार देते। वैसे गाइज इनको मारना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम माइनक्राफ्ट के अंदर कोई काम कर रहे हों, मतलब फार्म वगैरह बना रहे हों, तब ऐसे मॉब आकर हमको परेशान करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इरीटेटिंग लगता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी गाइज इन ब्रिज के दोनों तरफ स्लैब्स लगाने के बाद आपको इन ब्रिज पर नीचे का एक ब्लॉक छोड़कर ऊपर के दूसरे वाले ब्लॉक पर ग्लास बीन लगाने हैं इस तरीके से। और गाइज ये मॉब्स इधर कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं विलेज वगैरह। और गाइज ये सारे मॉब्स पिगलिन विलेज स्केलेटन्स वगैरह सारे एक साथ अटैक कर रहे हैं। ये मतलब इनको मारना कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये फार्म बनाते टाइम परेशान कर रहे हैं तो ये इरीटेटिंग लग रहा है। इसलिए गाइज मैंने पहले ही बता दिया था, ऐसे फार्म बनाना कुछ डिफिकल्ट सा पड़ जाता है। और गाइज इधर अगर आपके नेदर फोर्ट्रेस के नीचे लावा इलावा हुआ तो आपको कुछ ज़्यादा ही परेशानी होने वाली है। तो गाइज ये मॉब्स इधर ऐसे ही परेशान करते रहेंगे और ट्यूटोरियल बनाने में लेट कराएंगे, इसलिए मैं अपनी की डिफिकल्टी थोड़ी देर के लिए पीसफुल कर देता हूं, बाद में मैं इसको हार्ड पर सेट कर दूंगा। अभी गाइज ब्रिज के दोनों तरफ स्लैब्स लगाने के बाद आपको ब्रिज से नीचे का एक ब्लॉक छोड़कर दूसरे ब्लॉक पर ग्लास पेन्स लगा देने हैं, और ये ग्लास पेन आपको उधर तक लगाने हैं जिधर तक आप अपने फोर्ट्रेस के ऊपर स्लैब्स लगाने वाले हो। तो गाइज अभी एक तरफ ग्लास पेन और स्लैब्स लग चुकी हैं, अभी दूसरी तरफ स्लैब्स तो लगाई रखी हैं, सिर्फ ग्लास पेन लगाने बाकी हैं। तो गाइज मैं इस तरफ भी ग्लास पेन लगा देता हूँ। तो गाइज अभी दूसरे वाले ब्रिज पर भी ग्लास पेन और स्लैब लगा चुकी है, अभी इधर तीसरे वाले ब्रिज पर भी मैं ग्लास पेन और स्लैब लगा देता हूँ। इधर गाइज मैंने कुछ स्लैब तो लगा रखी हैं, अभी कुछ स्लैब और ग्लास पेन लगाने बाकी हैं। तो गाइज अभी मैंने तीन तरफ के ब्रिज पर ग्लास पेन और स्लैब लगा दी हैं। अभी गाइज मैं इधर चौथी तरफ भी ग्लास पेन और स्लैब लगा देता हूँ। और गाइज इतना एरिया अपने फार्म बनाने के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि गाइज इतने एरिया में हमको कम से कम 6-7 तो स्पॉनर मिल ही जाएंगे। तो गाइज अभी मैंने सभी तरफ ग्लास पेन और स्लैब्स लगा दिए हैं, अभी मैं अपने वर्ल्ड की डिफ़िकल्टी हार्ड पर सेट कर देता हूँ, जिससे इन ग्लास पेन के अंदर मॉब्स स्पॉन हो और हमको इनके स्पॉन पॉइंट मिल जाएं। अभी गाइज आपको क्राउच होकर इन ग्लास पेन के ऊपर इधर उधर AFK करना है, जिससे इनके अंदर मॉब्स स्पॉन हो और आपको मॉब्स के स्पॉन पॉइंट मिलें। तो गाइज आप देख सकते हो वीदर स्केलेटन का एक स्पॉन पॉइंट तो इस वाले ब्रिज पर मिल चुका है, इधर ग्लास पेन्स के अंदर वीदर स्केलेटन स्पॉन हो रखे हैं। अभी गाइज जिन वाले ग्लास पेन्स के अंदर ये स्केलेटन स्पॉन हो रखे हैं, आपको उन वाले ग्लास पेन को छोड़कर उसके आसपास के सभी ग्लास पेन तोड़ देने हैं और नीचे की तरफ स्लैब्स लगा देनी है। जिन ग्लास पेन के अंदर वीदर स्केलेटन स्पॉन हुए हैं, उन ग्लास पेन के नीचे के 4 ब्लॉक हमको छोड़ देने हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है इनमें से करेक्ट स्पॉन पॉइंट वाला ब्लॉक कौन सा है। तो इधर 4 ब्लॉक छोड़कर उसके चारों तरफ हमको स्लैब्स लगा देनी है। अभी गाइज इसके आसपास के ग्लास पेन्स को हमको तोड़ देना है और नीचे वाले ब्लॉक पर स्लैब्स लगा देनी है। तो गाइज अभी वीदर स्केलेटन का एक स्पॉन पॉइंट तो ये हो गया, इसी तरीके से हमको वीदर स्केलेटन या और किसी मॉब के स्पॉन पॉइंट ढूंढने हैं। तो गाइज इधर एक और स्पॉन पॉइंट है जो कि विलेज का है, तो अभी मुझे विलेज फार्म तो नहीं बनाना, तो मैं इसके ऊपर स्लैब लगा देता हूँ, जिससे मुझको पता भी लग जाए कि ये वाला स्पॉन पॉइंट विलेज का है। वैसे गाइज विलेज का फार्म बनाना होता तो मैं विलेज के स्पॉनर से भी बना सकता हूँ, क्योंकि इधर फोर्ट्रेस के ऊपर 2-3 विलेज के स्पॉनर तो होते ही हैं। तो अभी विलेज के स्पॉन पॉइंट को इग्नोर मारते हैं और इसके आसपास के ग्लास पेन्स को तोड़कर इधर स्लैब्स लगा
लगाते हैं। और गज इधर एक और स्पॉन पॉइंट है जो कि शायद पिगलिन का स्पॉन पॉइंट है। तो गज अभी हमको पिगलिन का फार्म भी नहीं बनाना, तो हम इस पिगलिन के स्पॉन पॉइंट को भी इधर ही रहने देते हैं। तो इस वाले स्पॉन पॉइंट के आसपास के ग्लास पेंस को भी तोड़कर इधर स्लैब्स बिछा देनी है। तो गाइज अभी इन वाले स्पॉन पॉइंट के आसपास का एरिया तो क्लियर हो चुका है। और गाइज शायद आगे एक और वीदर स्केलेटन का स्पॉन पॉइंट है। तो गाइज हमको सेम इसी तरीके से स्पॉन पॉइंट ढूंढने हैं और उसके आसपास के ग्लास पेन को तोड़कर उधर स्लैब्स बिछा देनी है। तो गाइज अभी मैंने सभी स्पॉन पॉइंट निकाल लिए हैं, जिनमें से 5-6 स्पॉन पॉइंट वीदर स्केलेटन के हैं, बाकी विलेज और पिगलिन वगैरह के हैं। तो गाइज अभी आपकी मर्जी है आपको वीदर स्केलेटन के किस वाले स्पॉन पॉइंट पर अपना वीदर स्केलेटन फार्म बनाना है। वैसे गाइज आप सभी स्पॉन पॉइंट पर भी वीदर स्केलेटन के फार्म बना सकते हो, जिससे आपके पास 5-6 वीदर स्केलेटन या आप जितने भी फार्म बनाना चाहो उतने फार्म हो जाएंगे। तो गाइज इन वाले स्पॉन पॉइंट में से मैं उस वाले स्पॉन पॉइंट को ढूंढता हूँ जिधर वीदर स्केलेटन फार्म बनाना आसान पड़ जाएगा, और उधर ही मैं अपना फार्म बनाने वाला हूँ। तो गाइज ये वाला स्पॉन पॉइंट ठीक ठाक सा लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे लावा भी नहीं है और इधर हम अपने वीदर स्केलेटन फार्म को आसानी से बना सकते हैं। तो गाइज अभी फाइनली अपना वीदर स्केलेटन फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस फार्म को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको इधर के सभी ग्लास पेन को तोड़ देना है। अभी गाइज इसके पास में किधर भी आपको एक डर्ट ब्लॉक प्लेस करना है और उस डर्ट ब्लॉक के ऊपर एक सनफ्लावर ग्रो कर देना है। और गाइज सनफ्लावर का जो फेस होता है वो हमेशा ईस्ट साइड होता है और ईस्ट डायरेक्शन की राइट साइड में होती है साउथ डायरेक्शन, यानी कि गाइज अगर जिधर सनफ्लावर का फेस है वो ईस्ट साइड है तो उसकी राइट साइड साउथ होगी। और गाइज साउथ साइड वाले ब्लॉक पर ही वीदर स्केलेटन स्पॉन होते हैं। तो गाइज हमको साउथ साइड वाले दो ब्लॉक तोड़ देने हैं और उधर कोई भी दो बिल्डिंग ब्लॉक लगा देने हैं जिनके ऊपर मॉब स्पॉन होते हों। अभी गाइज उन ब्लॉक के ऊपर दो टेम्परेरी ब्लॉक लगाकर उनके ऊपर दो ग्लास ब्लॉक लगा देने हैं और नीचे के दो टेम्परेरी ब्लॉक को तोड़कर इस सनफ्लावर को भी इधर से हटा देना है। अभी गाइज हमको इन दोनों ब्लॉक के आगे के 4 ब्लॉक लेने हैं और गाइज इन चारों ब्लॉक को हमको नीचे 4 ब्लॉक तक और डिक करना है। तो गाइज अभी इधर दूसरे ब्लॉक की लेयर को डिक करते टाइम ही इधर नेदर फोर्ट्रेस खत्म हो गया। तो गाइज हमको नीचे चलकर ऊपर तक ब्लॉक लगाने पड़ेंगे, वरना हम इस फार्म को बना नहीं सकते। और गाइज देख लो अभी ऊपर से एक वीदर स्केलेटन गिरा है, यानी कि अपना ये फार्म तो 100% वर्किंग है। अभी गाइज नीचे से मैं इधर कुछ ब्लॉक लगाकर ऊपर फार्म तक चला जाता हूँ, क्योंकि अभी हमको ट्राइडेंट किलर वगैरह भी बनाना है। अगर गाइज आपके किसी भी स्पॉन पॉइंट के नीचे अगर लावा हो और गाइज आपको उधर ही फार्म बनाना हो, तो गाइज आप लावा के ऊपर कुछ ब्लॉक लगा देना। उसके लिए आप पहले फायर रेजिस्टेंस के पोशन चढ़ा लेना, क्योंकि गाइज सबका नेदर फोर्ट्रेस एक जैसा नहीं होता। और गाइज इधर मैंने दो ब्लॉक की लेयर तो पहले ही डिक कर ली थी, मैं इनके नीचे दो दो ब्लॉक और लगा देता, जिससे टोटल 4 ब्लॉक की लेयर नीचे तक डिक हो जाए, मतलब 4 ब्लॉक की हाइट नीचे तक हो जाए। तो गाइज अभी टोटल ऊपर से नीचे तक 4 ब्लॉक हो चुके हैं। और गाइज मैं नीचे की तरफ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूं जिसके ऊपर मैं ट्राइडेंट किलर बना सकूं। तो गाइज ट्राइडेंट किलर बनाने के लिए इतना एरिया काफ़ी रहेगा। अभी गाइज ट्राइडेंट किलर बनाने के लिए आपको ऊपर वाली लेयर से किसी भी लेयर से आगे के दो ब्लॉक की दूरी पर एक डबल चेस्ट प्लेस कर देनी है। अभी गाइज इस डबल चेस्ट के पीछे आपको 5 हॉपर कनेक्ट करने हैं। तो गाइज एक साइड से तो आप 3 हॉपर कनेक्ट कर देना और उसकी साइड से पीछे की तरफ आप 2 हॉपर कनेक्ट कर देना। और गाइज ये जो पीछे के 4 हॉपर हैं ये एग्जैक्ट ऊपर वाले वीदर स्केलेटन स्पॉन पॉइंट के नीचे होने चाहिए। अभी गाइज इन हॉपर्स के चारों तरफ आपको बिल्डिंग ब्लॉक लगा देने हैं। और गाइज इधर से मैं नीचे गिर चुका हूँ, तो गाइज इस वाली लेयर पर ही लैडर्स लगाकर ऊपर से नीचे आने जाने के लिए रास्ता बना लेता हूँ।
तो गैज अभी इन हॉपर्स के चारों तरफ हमको बिल्डिंग ब्लॉक लगा देने हैं। और गैज जितना आसान मुझे ये फार्म लगा था उतना आसान है नहीं, वैसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस इसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। और गैज इसके आसपास के जो स्पॉन पॉइंट थे मैं उधर भी इधर स्केलेटन के फार्म बनाने वाला हूँ। अगर आपके फोर्ट्रेस पर भी पास पास में स्पॉन पॉइंट हो तो आप भी ज़्यादा फार्म बना लेना, जिससे आपको ज़्यादा लूट मिलेगी। तो गाइज अभी ट्राइडेंट किलर बनाने के लिए हमको इसके अंदर पिस्टन लगानी पड़ेगी। तो गाइज आप सबसे पहले एक पिस्टन इधर लगा देना, उसके बाद गाइज एक ब्लॉक इधर छोड़कर एक पिस्टन इधर, एक पिस्टन इधर और एक पिस्टन इधर। अभी गाइज इन पिस्टन्स के साथ हमको ऑब्जर्वर कनेक्ट करने हैं। तो गाइज आपको एक ऑब्जर्वर पिस्टन के साथ कनेक्ट करना है और दूसरा वाला ऑब्जर्वर उस पिस्टन वाले ऑब्जर्वर से कनेक्ट करना है। इसी तरीके से गाइज आपको एक ऑब्जर्वर पिस्टन के साथ और दूसरा वाला ऑब्जर्वर उस पिस्टन वाले ऑब्जर्वर के साथ कनेक्ट करना है। अभी गाइस सभी ऑब्जर्वर लगाने के बाद हमको किसी भी पिस्टन के ऊपर एक लीवर लगाना है और उसको दो बार ऑन ऑफ कर देना है, जिससे गाइस अपना ट्राइडेंट किलर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हमको इसके अंदर एक ट्राइडेंट फेंक देना है, जिससे ट्राइडेंट किलर बन जाएगा। और गाइस आप जिस भी साइड चेस्ट लगाओ उधर दो स्लैब लगा देना, जिससे इसके अंदर जितने भी मॉब्स मरेंगे उनकी एक्सपी आपको कलेक्ट हो सके। तो अभी गाइज हमको स्पॉन पॉइंट के चारों तरफ भी थोड़े बहुत ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो गाइज मैं इधर से ऊपर जाने के लिए रास्ता बना लूँ। अभी गाइज इस स्पॉन पॉइंट के चारों तरफ की स्लैब्स को तोड़ देना है और गाइज इन ग्लास ब्लॉक को नीचे से ऊपर तक बिल्डिंग ब्लॉक से कवर कर देना है। तो गाइज इस तरीके से आपको इन ग्लास ब्लॉक के चारों तरफ बिल्डिंग ब्लॉक लगा देने हैं। अभी गाइज इसके ऊपर भी हमको एक रूफ बना देनी है। वैसे गाइज नेदर के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं होता कि इधर अंधेरा होगा तभी मॉब्स स्पॉन होंगे, लेकिन फिर भी इस फार्म की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप इसको चारों तरफ से ऊपर नीचे से कवर कर देना। और गाइज आप इसकी रूफ के ऊपर स्लैब्स लगाना नहीं भूलना। और गाइज इसके पास आपको स्लैब्स लगानी है, जिससे इस फार्म की एफिशिएंसी बरकरार रहे और कोई दूसरा अदर मॉब इधर स्पॉन ना हो सके। तो गाइज मैंने जो ये आने जाने के लिए रास्ता बनाया था मैं इसके ऊपर भी स्लैब्स लगा देता हूँ, जिससे कोई दूसरा मॉब इधर स्पॉन ना हो सके। अभी गाइज अपना वीदर स्केलेटन फार्म बनकर रेडी है। और गाइज ये फार्म वर्क तब करेगा जब आप इस फार्म से 32, 30, 28 ब्लॉक इतनी दूरी पर AFK करोगे। तो गाइज मैंने इधर 28 ब्लॉक दूरी पर एक AFK स्पॉट बनाया है, तो मैं इसी के अंदर 5 मिनट AFK कर दिखाता हूँ कि इससे हमको कितनी लूट मिलती है। और गाइज AFK करते टाइम आपको अपने हाथ में लूटिंग 3 की स्वॉर्ड जरूर से होल्ड करनी है, इसी से गाइज आपके वीदर स्केलेटन स्केल मिलने के चांस बढ़ेंगे। तो गाइज अभी मैंने इस फार्म के पास कम से कम 5 मिनट AFK किया है, अभी देखते हैं 5 मिनट में हमको कितनी लूट मिली है। और गाइज इधर थोड़ा बहुत गेम भी लैग हो रहा है क्योंकि अभी अपने फार्म के अंदर XP कलेक्ट हो गई होगी। और गाइज आपको अपने फार्म को घास्ट वगैरह से सेव करना है, वरना कोई भी घास्ट आकर अपने आपके फार्म को एक बारी में उड़ा देगी। तो गाइज आप देख सकते हो सिर्फ 5 मिनट में मुझको वीदर के 2 स्कल मिल चुके हैं। और गाइज मैं अगर लूटिंग 3 की स्वॉर्ड के बिना AFK करता तो शायद मुझको एक भी वीदर का स्कल नहीं मिलता, क्योंकि गाइज ये कितनी रेयर चीज़ होती है मुझको पता है। मैंने घंटों गेम में वीदर स्केलेटन को मारा है सिर्फ 3 स्कल कलेक्ट करने के लिए, और इधर मुझको 5 मिनट में वीदर के 2 स्कल मिल चुके हैं। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करना, चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।